अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली यानी कि बहुत ही मालूमती वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसे लोग जिनकी औलाद की वजह से वो परेशान है, उनकी औलाद नहीं होती, अगर हो जाती है तो बहुत कमज़ोर होती है या कमज़ोर होकर मर जाती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की वजूहत होती है। इसमें औरतों को अठा भी होता है और इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोजिश होती है, गर्मी भी होती है, तेजाबियत भी होती है। तो इसी तरह मेल्स के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेल्स जो मर्द हजरात है उनमें भी सीमेंस का प्रॉब्लम होता है, जो है उनके सीमेंस वीक होते हैं, उसके अंदर मोटैलिटी नहीं होती स्पर्म्स की, उसमें हरकत नहीं होती, या होती है तो बहुत ही जो कम होती है और क्वांटिटी भी कम होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो मिथ है यानी गलतफहमी है वो भी मैं आपको दूर कर दूँ कि औरतों को ब्लेम किया जाता है कि औरतें हैं जो फीमेल्स पैदा कर रही हैं, यानी कि जो है गर्ल्स पैदा कर रही हैं, बेबी गर्ल पैदा कर रही हैं, तो इस सारी के सारी गलतफहमी है। तो औरत हमेशा औरत के अंदर जो होता है एक्सएक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसका काम ही एक्स देना होता है। इसके साथ जब मेल जो है मिलता है तो मेल का काम होता है एक्स क्रोमोसोम्स देना और वाई क्रोमोसोम्स देना, यानी हर हाल में जो कसूरवार होता है लड़की पैदा होने का, बेबी गर्ल पैदा होने का, मर्द ही होता है। तो प्लीज़ अपने जो है जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ पे अगर किसी घर में लड़कियाँ पैदा हो रही हैं और औरत तशद्दुद का शिकार है, तो उस के शौहर को आप समझाएं कि आप उसका कसूर नहीं है, ये सारा जो है साइंसी और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ये सारा मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो थी एक गलतफहमी, क्योंकि जैसे मैंने आपको गाइड कर दिया है मर्द के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है और जो औरत के अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, दोनों जो मिलते हैं। तो मर्द का काम होता है क्रोमोसोम्स देना, अगर वो एक्स के साथ वाई लगेगा तो आपका जो लड़का पैदा होगा, और एक्स के साथ अगर एक्स लगेगा तो लड़की पैदा होगी। तो इस वजह से जो है सारा जो दारोमदार होता है बेटा पैदा होने का या लड़की पैदा होने का, ये मर्द के ऊपर होता है। ये गलतफहमी अपने माशरे में जो है ख़त्म करें। दोस्तों जैसे आज का मेन टॉपिक है कि औलाद ना होना या औलाद हो के फोत हो जाना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सारे जो है आसान हल और इलाज बताया हुआ है। अगर हम हदीस को कुरान को गौर से पढ़ें तो सब कुछ आपको हदीस और कुरान में मिल जाएगा, किसी हकीम और डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं होगी आपकी आपको। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक आसान तरीन जो है तरीका लेकर आया हूँ, मैं आने वाली वीडियोस में मज़ीद लेकर आऊँगा। तो ये सारे हदीस के अंदर बताए गए। चलें दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ऐसे लोग जिनकी जो मिलते भी हैं अज़्दवाजी ताल्लुकात कायम भी करते हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं हो रही, उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनके लिए यह है कि अगर वो छोटा गोश्त जो है एक महीने के अंदर 3 से 4 दफ़ा खाएं या हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, सब्ज़ी के साथ फैला लें, अपनी खुराक के अंदर छोटे गोश्त को शामिल करें, तो छोटा गोश्त जो है औलाद पैदा करने के जरासीम पैदा करता है बहुत ज़्यादा, तो सीमेंस क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा जो है फर्टिलिटी होने की। तो ये बहुत ही एक जो है आसान तरीन जो मैंने आपको तरीका बताया। और दूसरा ऐसे लोग जो अंडे खा सकते हैं, स्पेशली आजकल सर्दी चल रही है तो अंडे हर बंदा खा ही लेता है, तो मैंने आपको अंडे के बेनिफिट्स भी बताए, तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ आपको मालूमात मिलेगी। आप मेरे वीडियो सेक्शन के अंदर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने अंडे के फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए। तो दोस्तों अंडे से जो इलाज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सर्दी है ऐसे लोग, कई लोग एलर्जिक होते हैं अंडों से, तो वो 2 खा सकते हैं, अगर जो एलर्जिक नहीं वो 3 खाएँ, तो दोनों मियाँ बीवी जो है आपस में मिलते रहें इलाज के दौरान। ये सिर्फ फूड के साथ होगा, इसमें कोई और चीज़ नहीं होगी। इसमें करना है जी डेली जो है मेल ने और फीमेल ने, यानी दोनों मियाँ बीवी ने, सुबह के टाइम और शाम के टाइम 1 ग्लास दूध के साथ उबला हुआ अंडा खाना है। और अगर जो है बर्दाश्त कर सकते हैं तो 3 टाइम कर लें, सर्दी है तो 3 टाइम कर लें, गर्मी है तो 1 से 2 टाइम कर लें,
और तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर ही, मे बी 10 दिन के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही, जब अल्लाह ताला करम करेगा तो आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी और आपकी औलाद भी सेहतमंद और तवाना होगी, हमल मजबूत होगा, डीएनसी नहीं होगी आपकी, मिसकैरेजेस नहीं होंगे। तो ये आपने करना है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपने छोटा गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाना, यानी मटन का, बकरे का ले लें, दुम्बे का ले लें, और जो होता है लैम का ले लें, या जिस जो भी आपको अवेलेबल होता है पहाड़ी बकरे का ले लें। तो छोटा गोश्त आपने खाना है ज़्यादा से ज़्यादा, रान का ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा आपने साथ में जो अंडे खाने, अंडे के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये सीमन को स्ट्रॉन्ग करता है मेल के अंदर, और फीमेल को भी स्ट्रॉन्ग करता है ये। तो कुछ जो औरतों के अंदर तेजाबियत होती है वो भी, वो जो है फोलिक एसिड बेस्ड जो है चीज़ें ज़्यादा खाएं, और अल्कलाइन चीज़ें भी इस्तेमाल करें साथ में, वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह भी। तो दूध भी पिएं, दूध जो है बहुत ज़्यादा जहरों को दूर करता है। दोस्तों इसका जो जो मेन है इशू औरतों के अंदर, औरतें आजकल खुराक भी नहीं लेती और उनके मियाँ भी उनका कोई ख़ास जो है ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती सीमन क्वांटिटी की वजह से, और वैसे भी दूसरे मसाइल भी होते हैं। तो ये आप करके देखिएगा, हदीस करीम में ये वाजिया लिखा हुआ है कि ऐसे जो है जो औलाद नहीं पैदा करें वो अंडे खाएं, वो छोटा गोश्त खाएं। तो सब कुछ आपके कुरान हदीस के अंदर है, तो आपको किसी डॉक्टरों हकीमों के पास भागने की ज़रूरत नहीं। अगर हम अपने दीन के ऊपर अमल करें तो आपके सारे के सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। और दूसरा इसकी जो ख़ास बात मैं आपसे करने लगा हूँ, आपने ये लाजमी शेयर करना है जो मैंने आपको औरत या गर्ल जो होती है, बेबी गर्ल होती है, पैदा होने के लिए सारा कसूरवार मेल का होता है, औरत का नहीं होता। तो जितना मैक्सिमम वाई क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल ज़्यादा होगा सीमन, तो इससे ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो बेबी बॉय होगा, अगर स्पर्म्स क्वांटिटी कम है, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांस ये जो है लड़की पैदा होगी। तो ये वाला आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया गज़ाई तरीका, यानी फूड चार्ट जो बताया, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपने अंडे और छोटा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मेल ने भी और फीमेल दोनों ने, और अच्छी खुराक खानी है, और इज़्दवाजी ताल्लुका साथ साथ करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका 90% चांस है कि बेटा ही पैदा होगा और सेहतमंद औलाद होगी। तो दोस्तों आपने ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसे जो बे औलाद हैं उनके साथ भी शेयर करना है। और यहाँ पे आपने अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना है, जब आपको औलाद अल्लाह ने देनी तब ही देनी है, लेकिन हम अपने जो है हदीस और कुरान के ऊपर अमल भी तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मेरा एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको ये अपने बता रहा हूँ, और वैसे भी जो है ये तजर्बात काफ़ी लोगों ने अपने ऊपर किए हैं, तो मैं आपको उनका रिज़ल्ट भी बता रहा हूँ। इससे इंशाल्लाह ताला 90 to 100% आपको फ़र्क लाजमी पड़ेगा, तो आपने ये करना है। चलो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मज़ीद कोई सवाल है दोस्तों आपका, तो आप मुझे कमेंट्स में क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा भी मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर काफ़ी आपको जो है फर्टिलिटी रेलिवेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा, और सारे के सारा आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह के ज़रिए, और फ्रूट्स वेजिटेबल हर्ब और जितने भी हमारे स्पाइस वगैरह हैं उसके ज़रिए मैं आपको जो है रिजल्ट्स वाले, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है टिप्स दूंगा, हेल्थ टिप्स दूंगा। तो मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।